पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। इतना बास मारता है कि इधर बैठने का हम लोग को नहीं है। ये सब गंदा पानी संडास का पानी है, तो कल को क्या होगा, डेंगू मलेरिया जो अफवाह फैलेंगे यहाँ पे। देखो मुंह बात हम लोग ऐसा उतरते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई हल नहीं करता है। खवातीने बाहर नहीं निकल सकते, लोकल नगर सेवक बोलते हैं भाई 5 लाख रुपया खर्चा होगा, कोई ईमानदार नहीं भाई, यहाँ सब चूना लगाने वाले हैं, देखो यहाँ पर नाव लेके आना पड़ेगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नाले गटर का गंदा पानी सोसाइटी के गेट के पास रास्ते पर ही जमा हुआ है, मगर मनपा प्रशासन इस पर कोई भी सुध-बुध नहीं ले रहा है। शिलफाटा के डायमंड पार्क के पास पेट्रोल पंप के पीछे ये गंदा पानी रास्ते पर जमा हुआ है। बताया जा रहा है कि नाला जो है वो जाम हो गया है, और नाला जाम होने की वजह से उसका गंदा पानी जो है रोड पर निकलकर बह रहा है, और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन मनपा प्रशासन नाला जो है जाम पड़ा है उसे साफ नहीं कर रही है। नाला साफ ना होने की वजह से रोड पर ही ये गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, और गंदा पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर बीमारी भी फैल रही है। आप देखेंगे कि आसपास बहुत ज़्यादा नाले के पास जो है कचरा भी इकट्ठा हुआ है, और इस कचरा एक तरफ है और एक तरफ गंदा पानी है। यहाँ से काफ़ी बदबू होती है, और बदबू होने की वजह से लोगों में जो है बुखार और सरदर्द जैसी ऐसी तमाम बीमारियाँ भी वहाँ पर फैल रही हैं। बताया जा रहा है कि पहले ये नाला जो है सही था, काफ़ी चौड़ा था, मगर कुछ लोगों ने यहाँ आसपास में बांध काम किया, जिसके बाद नाले की चौड़ाई काफ़ी कम हो गई, और इस नाले में अब धीरे धीरे कचरा भी जाम हो रहा है, और कचरा जाम होने का नतीजा सबके सामने है कि सोसाइटियों के गेट के सामने रास्ते पर गंदा पानी और कचरा इकट्ठा है, लोगों में काफ़ी गुस्सा है। खाला, यहाँ पे डायमंड पार्क की गली में हम लोग खड़े हैं, अभी आप के पीछे बराबर देखा जा सकता है गंदा पानी है। ये पानी कब से आ रहा है और ये कैसे आ रहा है? अरे पानी ये गटर से आ रहा है, मालूम नहीं इतना बास मारता है कि इधर बैठने का हम लोग को नहीं है। कितने दिन से ये पानी है? अरे बहुत दिन से है भैया पानी। तो आप यहाँ पे किसी को कंप्लेन नहीं किए? कोई कंप्लेन फिलहाल नहीं करता, ऐसे आया के देख के चले जाते हैं, कोई कुछ करता नहीं। कौन सी बिल्डिंग में आप रहते हैं? क्या नाम है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का क्या नाम? डायमंड पार्क में आप रहते हो, और आपके गेट के सामने बराबर ये गंदा पानी? देखो ना गंदा पानी। अच्छा, तो इससे तकलीफ होती होगी? बहुत तकलीफ है, बीमारी का घर है भैया, देखो मुंह बात के हम लोग ऐसा उतरते हैं। अच्छा, कोई सामान लेने? ठीक है। पानी कैसा आ रहा है पता है आपको, कहाँ से आता है ये पानी? जो रोड है ना, रोड से देखो ना जाके सामने रोड एकदम इधर आते हैं नाला, और नाले से ये बाजू आ रहा है। हाँ, वो नाले से इधर पानी आ रहा है, उधर ऊँचा इधर खाल है। हाँ, ऊँचा से नाले से इधर पानी आ रहा है। चाचा, ये आपके पीछे जो गंदा पानी देखा जा सकता है, ये कब से है पानी, और इससे क्या आपको परेशानी हो रही है? परेशानी बेटा ये गए साल भी थी, और इस साल कुछ ज्यादा है, अभी जब गए साल बारिश भी थी, अभी तो बारिश नहीं है, लोग बनवा लेते हैं बेटी बाजी निकल गई, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई हल नहीं करता है। बहुत बड़ी तकलीफ, ये सब गंदा पानी संडास का पानी है। कौन सी बिल्डिंग में आप रहते हो? मैं सीविंग में रहता हूँ। डायमंड में सीविंग में आप रहते हो, तो उतरना पड़ता होगा नमाज वगैरह के लिए आपको भी? अरे भाई बता रहा ना, बहुत ऐसा लगता है कि चल नहीं सकते,
चल नहीं सकते, ऐसे हालत हो जाते हैं आदमी घुटनों के बल इतना पानी। एक जन बोलो, एक जन बोलो। बच्चे को लेना है तो गोद में लेके चलो, कुछ लाने जाना है तो उसको कंधे पे लेके चलो, और पानी का जमावड़ा तो जिस लेवल पे है ये तो अभी कुछ है ही नहीं। इसका जो बारिश आने वाली है, बारिश के जो वक्त और हालात रहेंगे, कोई मरीज को ले नहीं जा सकता है, कोई घर की खवातीन बाहर नहीं निकल सकती। टीएमसी की तरफ से कोई आता नहीं है साफ सफाई के लिए, गटर वगैरह यहाँ कोई भी नहीं आता है। एक जन बोलो भाई, एक जन बोलो प्लीज, एक जन बोलो। टीएमसी की तरफ से नहीं आता? आपने यहाँ के लोकल नगर सेवक से बात की इस बारे में? लोकल नगर सेवक बोलते हैं भाई 5 लाख रुपया खर्चा होगा। अच्छा, जब तो आना इधर जो बात नहीं करते कोई, तो यहाँ कोई जल्दी आता ही नहीं। तो 5 लाख रुपया किसको देना पड़ेगा? कॉर्पोरेटर को देंगे, और किसको देंगे? तो फिर वो काम करेंगे ऐसा आप बोल रहे हो? ये तो आप इल्जाम लगा रहे हो चाचा कॉर्पोरेटर पे। सही बता रहा हूँ। अच्छा, कोई कॉर्पोरेटर बोलते 5 लाख रुपया दो? अच्छा, कोई ईमानदार नहीं भाई, यहाँ सब चूना लगाने वाले हैं, बिल्डर से लेके सब कोई। अच्छा चाचू, जैसे आपने बोला कि यहाँ बनाते बेच के निकल जाते, क्या बनाते बेच के निकल जाते? ये बिल्डिंग खड़ी करते आप वो टाइम पे आवाज़ क्यों नहीं लगा? अरे हम लोग आए थे उस टाइम पर, कुछ नहीं था यहाँ, इतनी गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी बारिश नहीं है, इतना पानी जमा है, अगर बारिश अभी आने वाली 2 महीने बाद तो फिर क्या होगा? आपने को यहाँ पर नाव लेके आना पड़ेगा, यही एक तरीका रहेगा। नाव से आएंगे मतलब? हाँ, और क्या करेंगे? हम लोगों की हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, जो भी यहाँ के बोलते ना है काबिल लोग, उन सबसे दरख्वास्त है, जितने भी बिल्डर है या जो भी कॉरपोरेटर है, ये जो पेट्रोल पंप बना हुआ है इसके पास जाने का रास्ता था, ये इस नाले का, इस पानी की निकासी का, अब उसने क्या किया, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, और वो रास्ता खुल जाए कैसे भी, ये नाला से पानी यहाँ का जो है बाहर जावे, वो उतना चले जाए तो यहाँ के लोग रहने वालों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए बहुत बड़ा सुकून हो जाएगा, और इस बोलते ना एक अच्छी चीज़ हो जाएगी आने जाने के लिए। लेकिन यहाँ 2 साल से 3 साल से जो हालात चल रहे हैं, इस साल जो जिस तरह की बारिश होने वाली है और जिस तरह का ब्लॉकेज होने वाला है, मेरे ख्याल से तो चाचा ने सही कहा कि नाव लेके ही लोगों को निकलना पड़ेगा, यहाँ आने जाना इतना मुश्किल होने वाला है लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए। मेरे ख्याल से 50,000 की पब्लिक यहाँ रहती है, छोटा मोटा इलाका नहीं, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारी बिल्डिंग है। मेरे तो दरख्वास्त है मासूम बच्चों के लिए, लोगों के लिए, बूढ़ी औरतों के लिए, आने वाले वक्त में मरीजों के लिए, मेरे सबसे हाथ जोड़ के ये मतलब रिक्वेस्ट है कि इधर ध्यान दीजिए, आप गली में ध्यान दीजिए, क्योंकि कल को क्या होगा, डेंगू मलेरिया जो अफलात फैलेंगे यहाँ पे, उसका जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो हालात है बहुत से बदतर होने वाले।